गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं देवराज। और फिलहाल अभी बज रहे हैं सुबह 9:40। और आपको बता दें कि आज का जो सुबह मैं उठा था 5 बजे, उसके बाद फिर 6 बजे तक नॉर्मली ऐसे ही बीत गया टाइम। उसके बाद फिर गया मैंने सेट प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि आपको कल वाले वीडियो में बताया था। आज मेरा सेट प्रैक्टिस का दूसरा दिन था, तो उसमें कुछ इजाफा हुआ है, कुछ नंबर उसमें मेरा जो मार्क्स है उसमें कुछ बढ़ोतरी हुआ है। कल मैं लाया था जितने नंबर, उससे कुछ नंबर ज़्यादा लाया हूँ आज। तो ऐसे ही मतलब करते रहिए। और चलिए आपको सेट दिखा देते हैं। स्क्रीन पर जो आप अभी देख रहे हैं ये मेरा सेट है, इसी को आज मैं सॉल्व किया। और ये जो आप बुक देख रहे हैं इसी बुक का ये जेरोक्स कॉपी है, रुक्मिणी का प्लेटफॉर्म का, तो अच्छा रहता है। और हम लोग जैसे कि कल वाले वीडियो में बताया कि हम लोग खुद ही मतलब कुछ फ्रेंड मिल करके कुछ ग्रुप बनाते हैं और फिर एक एग्ज़ाम हॉल जैसा माहौल क्रिएट करते हैं और उसमें हम लोग सेट प्रैक्टिस करते हैं और एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। किसी के जैसे इसमें सवाल जो मुझसे नहीं बनते हैं वो मैं उससे पूछता हूँ, जो उससे नहीं बनते वो मैं बताता हूँ। एक दूसरे से मतलब कि डिस्कस करते हैं, जिससे पढ़ाई में भी मन बना हुआ रहता है और इंटरेस्ट भी लगता है और काम भी हो जाता है। तो मैं भी कहूँगा आपको कि आप भी ज़रूर ग्रुप बनाएं अपना। और फिलहाल अभी टाइम है ब्रेकफास्ट का, वैसे मैं आया यहाँ पर 8 बजे, उसके बाद फिर मैं इसी सेट का मतलब इसे एक बार देखा, जहाँ जहाँ मुझे गलती लग रहा था उसे मैं ठीक किया। और अभी टाइम है ब्रेकफास्ट का। आपको बता दें कि बिहार में प्लास्टिक बैन हो चुका है। ये जो आप देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं, इसे प्लास्ट मतलब कागज का एक थैला है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो भाई बैन हो चुका है लेकिन मानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, जो कि गलत है भाई। और फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं चूड़ा और चनाचूर। जज मत करना, स्टूडेंट लाइफ है, ये छोरा भी नाश्ता में। और मिलते हैं कुछ देर में, फिर बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कल वाले वीडियो में कहा कि कुछ बुक्स के बारे में बात करेंगे, फिर कुछ पेटीएम ऑफर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सिंपली आपको अपना फ़ोन पे खोल लेना है, सॉरी पेटीएम खोल लेना है। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे देखेंगे आपको लिखा हुआ रहेगा 25 कैशबैक, लेकिन आपको वहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए पे एट नियर बाय शॉप्स एंड गेट ₹70 कैशबैक। तो फिलहाल यहाँ मेरा नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पे होगा तो आपको यहीं पे नॉर्मली क्लिक करना है, लेकिन मेरा नहीं है इसलिए यहाँ पे मैं नहीं करूँगा। तो मैं अभी डायरेक्ट चलता हूँ अपना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्नर पे होगा कैशबैक, जहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसे मैं अभी यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ। तो ये क्लिक करने से कुछ ऐसा आ जाएगा न्यू ऑफर, तो आप यहाँ पर न्यू ऑफर देख सकते हैं आप अपने से। और यहाँ पर फिलहाल आप मैं टच करूँगा माई ऑफर में, तो माई ऑफर में आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे लिखा हुआ है पे एट नियर बाय शॉप विथ UPI फ्लैट ₹70 कैशबैक। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे लास्ट 30 दिन में मतलब कि एक महीने के अंदर मुझे पेमेंट करना है टोटल 7, वो भी एक दिन में मैं कर सकता हूँ 2 दुकानों में। और आपको बता दें कि पेमेंट का जो टर्म एंड कंडीशन है वो होना चाहिए ₹21 या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो आपको टोटल करना 7 पेमेंट्स। वैसे आप नॉर्मली कुछ भी मतलब समोसा वगैरह खाते हैं, नाश्ता करते हैं, तो फिलहाल मेरा 28 डे है, तो कुछ भी आप परचेस कर सकते हैं, पेन बुक कॉपी ग्रोसरी का सामान। तो आपको टोटल पेमेंट करने पड़ेंगे 7, 1, 2, 3, 4, 5। तो मेरा भी नहीं हुआ है। आपको नॉर्मली क्या करना पेमेंट, जैसे कि मैं आप अभी देख सकते हैं कि आज मैं बुक खरीदने गया था, मैं कैसे पेमेंट किया था। तो नॉर्मली यहाँ पर आपको पेमेंट करना है, पासवर्ड आपको अपना देना है और उसके बाद फिर आपको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद ही आपको ये पेमेंट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यही कुछ ऑफर है फिलहाल अभी जो मैं यूज करने वाला हूँ। और अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ₹30 का जो कैशबैक मिला है, ये मैं अजय का जो मेरा फ्रेंड है उनके आईडी से मैंने किया था। तो वो मुझे तीन अलग अलग दुकानों से परचेस किया था, तो उसका भी नियम था कि ₹21 से ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर वो मुझे मिला, मुझे नहीं मेरे फ्रेंड को मिला। और यही सीन है दोस्तों, आप भी करें और एंजॉय उठाएं। और आपको बता दें कि आप ये मत सोचना कि भाई ₹70 कैशबैक मिल रहा है, इतना कम ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे बोला गया है कि आप 5000 तक कैशबैक ले सकते हैं। आपको टर्म एंड कंडीशन पढ़ना है, न्यू ऑफर में जाना है और आप ये सब भी एक्टिवेट कर सकते हैं ट्रैवल, तो जो कि मेरे ज़रूरत की नहीं है, ज़रूरत की जो है वो मैं आपको बता दिया। फिलहाल दोस्तों ये मैंने कुछ बुक परचेस किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 बुक है मेरे पास, ठीक ना। तो इसी दोनों बुक के बारे में कुछ बताएंगे। ये जो आप देख रहे हैं बुक स्क्रीन पर, इसे ये सामान्य लुसेंट ज्ञान है और इसका प्राइस आप देख सकते हैं इतना है और मुझे पड़ा इसका ₹108। लेकिन प्राइस आप चलिए दिखा देता हूँ प्राइस आपको क्या है। प्राइस इसका 180, लेकिन मुझे पड़ा इसका ₹108। और ये जो आप देख रहे हैं सामान्य विज्ञान है, इसका प्राइस है ₹195 और ये मुझे पड़ा कितना, ₹115। लेकिन मैंने इसे पेटीएम से ऑफर किया, पेटीएम से पेमेंट किया, तो मुझे 3 किताब पर मतलब एक और मेरा फ्रेंड खरीदा तो 3 किताब पर ₹30 का छूट मिल गया। तो दोस्तों ये जो बुक है काफ़ी अच्छा बुक है, ठीक ना, और ये भी काफ़ी अच्छा बुक है। वैसे आपको बता दें कि अभी जो NTPC में जो सवाल किया जाता है आपसे, नॉर्मली GS से जो सवाल किया जाता है करेंट अफेयर से, तो लगभग 40% जो रहते हैं वो आपका साइंस से रहता है। तो साइंस जो है इसके लिए ये बुक प्रेफर मैं करूँगा आपको, और
अच्छा है, लेकिन इससे भी कुछ रिकवर हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, कंपटीशन का तैयारी के लिए आप कितने भी बुक पढ़ लो, लेकिन उसके मतलब जितना बुक पढ़ो उतना आपके लिए कम है। तो भाई ये एक बेटर है ऑप्शन, तो फिलहाल यही है। और मैं मैथ जो है मैथ में रिकवर करता हूँ, ये किताब से आप देख सकते हैं। ये अंक गणित सुमित्रा अंक गणित प्रतियोगिता है, मतलब कि मैं पढ़ता था पहले रमेश मिश्रा के पास ट्यूशन, रमेश मिश्रा नाम है ना, सॉरी महेश मिश्रा के पास पढ़ता था, तो उन्हीं का ये बुक है, उन्होंने ये बुक पब्लिश किया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा बुक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं फिलहाल इससे कवर करता हूँ मैथ को, जो कि अच्छे टीचर है मेरे मायने में देखा जाए तो। कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, ऐसा ही बोल दिया, अच्छे टीचर है, क्योंकि जो अच्छे है वो मैं आपको बताता हूँ। ये अभी हम लोग का टाइम है ब्रेकफास्ट का, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिस्टर अजय और यहाँ पे मैं और ये शाम। भाई गर्मियों में 2 बार नहाने का मजा ही अलग है ठंडे पानी से। और फिलहाल दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि मेरा एग्जाम है 12 तारीख को मुजफ्फरपुर में, तो उसकी तैयारी के लिए कुछ पैकिंग का ज़रूरत है। तो पैकिंग दोस्तों फिलहाल कुछ इस तरह से हो रहा है कि सबसे पहले मैं ले रहा हूँ अपना वॉलेट, पावर बैंक, डाटा केबल, सन ग्लासेस, आई ग्लास, ईयरफोन, एडमिट कार्ड और एक आइडेंटिटी प्रूफ पैन कार्ड। और आपको बता दें कि इनमें से और एक तो ज़रूरी चीज़ें होती है, जैसे वाटर बॉटल, और भाई वही फिलहाल ज़रूरी है, तो वो मैं परचेज करूँगा रास्ते में ही। और आप अभी देख सकते हैं, ये है मेरी शर्ट और ये है मेरी जीन्स, जिसे मैं करने वाला हूँ इससे इस्त्री, और इस्त्री करते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि भाई पैकिंग तो बहुत कुछ कर लिए, लेकिन भाई पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ मटेरियल नहीं लिए, बुक्स नहीं लिए, तो भाई कितने दिन हुए जब कुछ पढ़ाई नहीं कर पाए, तो एग्जाम के टाइम में जाके क्या करोगे। और वैसे पढ़ाई इसलिए नहीं लिया क्योंकि भाई मुझे रास्ते में पढ़ना बोरिंग फील होता है, और एग्जाम हॉल के पास भी बैठ कर मुझे पढ़ने की आदत नहीं है, भाई ब्लॉग शूट करता हूँ मैं। और पढ़ाई जो है भाई वो मैं ऑनलाइन स्टडी करता हूँ, कहीं रास्ते में जाता हूँ तो करंट अफेयर वगैरह जो हो गए और कुछ भी हो गए उसे मैं मतलब याद करने की कोशिश करता हूँ। और कुछ नोट्स भी मेरे फ़ोन में है जो मैं कॉपी से कैप्चर करके फ़ोन में रखता हूँ, तो उसे ही मैं याद करता हूँ, भाई मुझे किताब वगैरह ढूंढने की आदत नहीं है। दोस्तों एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, जनहित में जारी, फिलहाल मेरे यूट्यूब में जारी, आप जब भी आयरन करें इस तरह के प्लग में या फिर किसी भी कमज़ोर वायर में, और आयरन हो आपका इस तरह का, तो कृपया करके अकेले दरवाज़ा खोल के आयरन करें, तो कृपया करके दरवाज़ा को ओपन करके आयरन करें, क्योंकि हो सके अगर आपको शॉक लगे तो आपको आनंद फानन को जा करके बचा ले। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगा और पसंद भी आएगा। और भाई पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर करना, क्योंकि भाई की मेहनत लगती है, रोज़ इतना मेहनत करता हूँ आप सबके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो शेयर नहीं करोगे तो भाई मेरा टाइम व्यर्थ जाएगा, बर्बाद होगा। तो भाई शेयर करो, सपोर्ट करो भाई को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर ही लो। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कल वाले ब्लॉग्स में, क्योंकि कल का ब्लॉग होने वाला स्पेशल, जाते हैं मुजफ्फरपुर और बताते हैं वहाँ के कुछ सीन। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड, वंदे मातरम।